झुंड है, पुलिस वालों का झुंड है, जो भी बाहर जा रहे हैं ना उनको पीट रहे हैं। Hey guys, welcome to my vlog channel and the Devil Tale. तो यार ये मेरा पहला व्लॉग है, मैंने सोचा था कि पहला व्लॉग मैं दिल्ली से बाहर बनाऊंगा, बट कोरोना है और कोई बाहर नहीं जा पा रहा है। और यार कोरोना बहुत खराब बीमारी है, सबको पता है, हमारे देश में 11 लोग मर चुके हैं। और यार मैं घर में ना बहुत बोर हो रहा हूँ, और वो तो सभी रहे, बट थोड़ा दिमाग चल गया है मेरा ब्लॉग बनाने के, सोचा मैंने ब्लॉग डालने को, क्योंकि पहले भी बाद में भी शुरुआत करने, पहले शुरुआत कर लेते हैं तो अब देखते हैं ब्लॉग में आगे क्या होता है। चलो मेरे साथ बने रहो। तो गाइस अभी अभी सो के उठा हूँ, तो थोड़ा मुंह धो लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, फिर आगे मिलते हैं, ठीक है। हमने मुंह धो लिया है तो थोड़ा मुंह पोंछ लेते हैं, और गीला गीला अच्छा नहीं लगता। सो गाइस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं गरीब हूँ, मतलब ऐसी मिल्क और थोड़ा मेरी डाइट है, ठीक है। तो ये टी शर्ट कैसी लग रही है? मैंने बहुत बार सोचा था कि मैं इसी टी शर्ट के अंदर अपना ब्लॉग बनाऊंगा, तो चलो यार मैं अपना थोड़ा छत पे जा रहा हूँ, क्योंकि घर में मन नहीं लग रहा था, मैं थोड़ा छत पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी छत कैसी है, ठीक है। यार गरीब हूँ थोड़ा, तो सामान ऐसे फैला हुआ है, गरीब हूँ। तो दोस्तों ये मेरी छत है, तो मेरे घर की छत है, ठीक है। और यार ये वो रोड और ये वो पार्क है जहाँ मैं खेला करता था यार, क्योंकि 4 दिन से मैं घर से बाहर नहीं निकला, तो मैं पागल हो चुका हूँ। और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ देखो, वहाँ कोने में आपको, क्योंकि मेरा यार फ़ोन का कैमरा तो ज़्यादा जूम नहीं, क्योंकि जो झुंड है पुलिस वालों का झुंड है, जो भी बाहर जा रहे हैं ना उनको पीट रही है पुलिस बहुत गंदी तरीके से। और बाकी तो तुमने टिकटॉक और भी वीडियोज़ में देखा होगा। तो ये जो मेरी ये जो रोड है ना हमारे यहाँ की, तो भरी रहती है, पर इस टाइम ना इस पर देख लो, और ये एक दो गिने चुने लोग हैं जो पिट भी रहे हैं पुलिस वालों से। तो यार मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ इस घर में, और मेरा मन कर रहा है कि वो पार्क देख रहे हो उसमें खेलने जाऊँ, इस रोड पे घूमूँ। और वैसे मेरी यहाँ पे किराने की शॉप है, और यार वी आर स्लम्स, मुझे गर्व से कहता हूँ यार हम स्लम्स ही हैं, स्लम है, यहाँ को इतना अमीर नहीं ज़्यादा, भाई मैं भी गरीब हूँ। तो यहाँ मेरी किराने की शॉप है, मंडी है। तो मेरा मन कर रहा है यार, मेरा मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और पुलिस वालों का डर है। और मेरी हाँ मेरी तो जिम छुट्टी हुई है, 4 दिन से मेरी जिम छुट्टी हुई है, और मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये मेरी किट है एक्सरसाइज वाली किट, बट मेरा मन नहीं लगता यार, क्योंकि पता क्या जिम में ना एटमोसफेयर होता है कि 4 सेट मारे तो मेरे को 8 सेट उससे ज़्यादा मारने हैं, कॉम्पिटिशन होता है यार, मज़ा आता है यार। यार गरीब हूँ वैसे तो मैं, ठीक है। तो मन कर रहा है कि बाहर जाऊँ मैं भी घूमूँ, पर यार पुलिस के हाथों फोन पिटना चाहेगा, और मैं ना जब मेरा मन नहीं लगता तो मैं और ऊपर चढ़ जाता हूँ थोड़ा, हाँ थोड़ा और ऊपर चढ़ जाता हूँ जाके, वहाँ पे एंजॉय करता हूँ। अभी चलो मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर कैसे चढ़ता हूँ, क्या एंजॉय करता हूँ, आगे बने रहो। तो ये चले हम ऊपर, ऐसे ही जुगाड़ है भाई, यहाँ गरीब लोग हैं, कितनी बार बोल यार गरीब लोग है, तो यार ज़्यादा ना वो मैं कल यार ब्लॉग को जरूर देखना, क्योंकि गरीब लोग जरूर ही देखते कैसा भी ब्लॉग बनाए, पर ये भी हो यार शाम को तो और बहुत मतलब और ऐसा आते हैं यहाँ से। गौतम भैया
बाहर तो निकलना नहीं था, पर मम्मी ने फरमाइश करी कि भाई दवाई लिया, तो मैं दवाई लेने आया हूँ बाहर। मास्क लगा के आया हूँ मैं, तो मेरे को कोई डर नहीं है। मैं घर जाते हैंड सैनिटाइज करूँगा यार, ठीक है। रोड बिल्कुल खाली है। देख रहे बिल्कुल ही खाली है यहाँ पे। और भैया कैसे हो? बढ़िया भैया, लेके गया था देखना, ये चालू ये निकल ही नहीं रहा इसमें से। हाँ चले घर की तरफ। कोई भी नहीं है भाई। टाइम लगा थोड़ा मेडिकल भी डॉक्टर वर्ड, बहुत खाली खाली लग रहा है। सो गाइस, मैंने नहीं सोचा था कि मैं घर से बाहर जाऊंगा। मैंने सोच भी रखा था कि नहीं जाऊंगा, बट मम्मी ने फरमाइश कर दी कि मेडिसिन बदल ला, मतलब मेडिसिन लिया और हैंड वॉश लिया था मैंने, एक चल नहीं रहा था तो मैंने वो बदल दिया है। तो मैं मास्क लगा के गया था बाहर, ठीक है। और बाहर जाके भी वो फीलिंग नहीं आई, और अच्छा हमें कोई पुलिस वाला नहीं मिला, नहीं तो फिल्म हो जाती। तो आगे देखते हैं और क्या है। सो हे गाइस, व्लॉग ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही था, और छोटे से टाइम में हमने जितनी मस्ती करी हो, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे। सो बीच में जब मैं एडिट कर रहा था, तो मैंने देखा कि मैं एक गरीब गरीब कुछ ज़्यादा बोल रहा था यार, सॉरी मैं पागल हूँ थोड़ा, तो इस वर्ड से इरिटेट मत हो ना। और अभी मुझे पता नहीं था कि मैं बाहर जा पाऊंगा, क्योंकि देखो गॉड ने मेरी बात ही सुन ली और पूरी कर दी कि मैं बोला था बाहर जाऊंगा बाहर जाऊंगा। मम्मी ने बोला कि ले मेरी दवाई ली, और मैं एक सैनिटाइजर लाया था बहुत पहले, तो चल नहीं रहा था, तो 3-4 दिन घर पे रखा होता है। एक बगल की दुकान है, दोस्त है मतलब जानकार है अपने, मयूर मेडिकोज नाम है उसका, तो मैं वहाँ गया उनको, मैंने अभी मैंने दिखाया था आपको वीडियो में, ब्लॉग में देखा होगा आपने। मैं गया सैनिटाइजर हैंड वॉश मैंने उन्होंने किया, फिर वापस लिया। सो बने रहो मेरे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल devdev19। ओके, तो अभी आगे बहुत कुछ होने वाला, बहुत कूल करेंगे हम, बहुत धमाल करेंगे, तो बने रहो मेरे साथ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।